नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 की बैठक की। 2+2 की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों, बहुपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और दुनिया के नए भू राजनैतिक स्थितियों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के दौरान भारत से मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक संपर्क गलियारे पर भी चर्चा हुई। भारत अमेरिका ने बैठक में रक्षा और सामरिक मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। रक्षा प्रणालियों को मिलकर विकसित करने के जरिए रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत अमेरिका ने संयुक्त अनुसंधान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर अत्यधिक बल देने के बारे में विचार विमर्श किया। इसके अलावा F-414 जेट इंजन निर्माण प्रगति पर भी समीक्षा हुई। अमेरिका ने भारत का संयुक्त समुद्री बल का पूर्ण सदस्य बनने के निर्णय का स्वागत किया। इस बहुपक्षीय बल का मुख्यालय बहरीन में स्थित है, इससे समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक तंत्र इंडस एक्स की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी भागीदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस वर्ष जून में इस तंत्र की शुरुआत हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विवाद आजकल एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए हैं। असंवेदनशील और किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले बयान बीते 4 दिनों में लगातार सामने आए हैं। नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। अब नीतीश के अमर्यादित बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर दावा किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की साजिश की जा रही है। देहरादून में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के परिसर में आयोजित 62वें स्थापना दिवस समारोह का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अमित शाह ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में ITBP के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं, देश की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक भारत चीन सीमा पर 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होता था, ये बढ़कर 12340 करोड़ रुपए हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद देश आतंकवाद पर पूरी नियंत्रण में सफल रहा। इतना ही नहीं, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भी 80% की कमी आई है। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। हर वर्ष की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाने का कार्यक्रम है। अयोध्या दीपोत्सव में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में यहाँ म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। राम मंदिर के लिए जनवरी में होने वाले प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है, लेकिन इस बीच रायपुर दक्षिण से विधायक और बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल पर बदमाशों के जानलेवा हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनाव प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे, जहां ये वारदात हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सत्ता से संरक्षण प्राप्त गुंडों द्वारा यह हमला किया गया। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के इस आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव में पिछड़ रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल पर बदमाशों का जानलेवा हमले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस और भूपेश सरकार क्या कार्रवाई करती है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट जिले में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के बाद अब उनका लक्ष्य लखपति बहना है। अनूपपुर जिले के कोतमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वोट के लिए लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो फिर मामा का बुलडोजर तैयार है। सतना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि बारिश गर्मी में हजारों लोग एक साथ यात्रा में चले। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी परवान चढ़ चुकी है। इस बीच जयपुर आदर्श नगर विधानसभा की सीट के भाजपा प्रत्याशी रवि नायर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन गायों की मौत का मामला उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रत्याशी रवि नायर फूट फूट कर रोते दिखे। उन्होंने विरोधी पार्टी के नेताओं पर गौ माता को जहर देकर मारने के आरोप भी लगाए। राजस्थान के पाली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी 2 रुपये किलो के हिसाब से गाय और भैंस का गोबर खरीदेगी, जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल में लिया जाएगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने रोड शो किया। उन्होंने वारंगल में भी पार्टी उम्मीदवार का प्रचार किया। कांग्रेस की गारंटी को झूठा बताते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी विफल हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग सिंह ठाकुर ने बीआरएस और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गरीबों का शोषण इनके डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। इस नई सूची के साथ ही भाजपा ने तेलंगाना के लिए अब तक कुल 114 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट से बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव चुनाव मैदान में हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुंटा सीट से पार्टी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए घर घर जाकर प्रचार किया। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण सितंबर में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.8% बढ़ा। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। माइनिंग उत्पादन 11.5% और बिजली उत्पादन 9.9% की दर से बढ़ा। आईआईपी में अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान 6% की वृद्धि हुई। एक साल पहले इसी अवधि में ये आंकड़ा 7.1% था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियानों का संचालन करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विज्ञापन विंग है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा जारी कर दिया। इसे जनता के सामने सुझाव के लिए रखा गया है। जनता 30 दिन तक अपने सुझाव दे सकती है। इस मसौदे में देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित ढांचे का प्रावधान है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में असीम दास को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को ईडी ने असीम दास के साथ ही कांस्टेबल भीम सिंह यादव को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया था, जिसके बाद दोनों को ही 24 नवंबर तक जेल भेज दिया गया। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। आज 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुष मंत्रालय आज धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के बाद 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं। जिन लोगों ने भी अपने आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, वो सरकार के इस सख्त एक्शन के दायरे में आ गए हैं। अब जो लोग भी अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करना चाहते हैं, वो 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आज भी राज्य जांच एजेंसी अनंतनाग के बिजबेहरा, जबाली, पुरा और कश्मीर के अन्य जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी बुधवार को एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त हिमपात हुआ है। आज हुई ताजा बर्फबारी से सब कुछ सफेद चादर से ढक गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर क्षेत्र में भी ताजा बर्फबारी हुई है। प्रयागराज में धन्वंतरी जयंती के अवसर पर पवित्र संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है। खासतौर पर पंजाब और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा राज्य सरकार द्वारा पारित 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं दिए जाने के मामले में सख्त आपत्ति जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़े कड़े आदेश में कुख्यात मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ कांड में पीड़ित छात्र की काउंसलिंग और प्रवेश के संबंध में पारित आदेशों का पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य और उसके शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए के दिसंबर 2022 में जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया है जो मेहरौली पुरातत्व पार्क के आसपास कुछ अनधिकृत निर्माणों की तोड़फोड़ के संबंध में जारी किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पटाखे जलाने के तय किए गए घंटे में कटौती की है। अब मुंबई में शाम 7 से रात 10 बजे की जगह रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। दिवाली पर शेयर बाजार पर होने वाले मुहूर्त ट्रेडिंग से एक दिन पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ है। ट्रेडिंग खत्म होने से पहले बाजार में धनतेरस पर निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार में तेजी लौटी। एक छोटा सा ब्रेक। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दीपों के पर्व यानी दीपावली की। जैसे दीपक हमारे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें भी इस दीपक से सीखकर हमारे अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वर्षों वर्ष से मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। सदियों से था युगों रहेगा दिश दिश फैला तमस घटेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 72 अंकों के उछाल के साथ 64,904 अंकों पर बंद हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30 अंकों के उछाल के साथ 19,425 अंकों पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल्स, एनर्जी, कमोडिटी, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी रही। ऑटो, मीडिया, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। आज के सत्र में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रौनक रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 13 शेयर तेजी के साथ बंद हुए और 17 गिरकर बंद हुए, जबकि निफ्टी 50 शेयरों में 30 शेयर तेजी के साथ और 20 गिरावट के साथ बंद हुए। धनतेरस के मौके पर शेयर बाजार में खरीदारी के चलते निवेशकों की संपत्ति में उछाल देखने को मिला है। आज के ट्रेड में बीएसई और लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 320.31 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-2024 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22% के उछाल के साथ बंद हुआ है। 1 अप्रैल से 9 नवम्बर 2023 की अवधि में 10.60 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में 9 नवंबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में स्थिर ग्रोथ देखने को मिली है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.37 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि बीते वित्त वर्ष के मुकाबले 17.59% ज्यादा रहा है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.60 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में समान अवधि के मुकाबले 22% ज्यादा रहा है।
सीबीडीटी के कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2023-24 के बजट अनुमान का 58.15% रहा है। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 1.04% की तेजी के साथ $76.53 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 1.07% की गिरावट के साथ $80.87 प्रति बैरल पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों के आउटफ्लो ने भारतीय करेंसी को भी प्रभावित किया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ है। रुपया 83.33 के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। भारतीय सर्राफा बाजार में धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। हालांकि सोना अभी 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। ट्रेडर्स फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर मौके पर पूरे देश में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार देखने को मिला है, जिसमें 27,000 करोड़ रुपये के सोने या उसकी ज्वेलरी की लोगों ने खरीदारी की है। सोने और सोने की ज्वेलरी के सेल्स का आंकड़ा 27,000 करोड़ रुपये का रहा है। 3,000 करोड़ रुपये के करीब चांदी या उसके सामानों की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष 2022 में धनतेरस में सोने चांदी का 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत बढ़कर 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत से निर्यात में भारी गिरावट और ब्राजील में लॉजिस्टिक दिक्कतों के कारण चीनी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। इजरायली मंत्री बेनी गैट्स ने सीमावर्ती शहर शलोमी का दौरा किया। इस दौरान गैट्स ने कहा कि इजरायल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए लेबनान से सटी दोनों सीमा पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह और लेबनान को उनके नेता सैयद हसन नसरल्लाह की गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दुनिया में पहली बार न्यूयॉर्क में डॉक्टरों की एक टीम ने आंख का सफल ट्रांसप्लांट किया है। संपूर्ण आंख का ट्रांसप्लांट लंबे समय से चिकित्सा विज्ञान का एक बड़ा कार्य रहा है। खटमलों के आतंक से परेशान दक्षिण कोरिया, राजधानी सोल में हाइजीन अथॉरिटी ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। अथॉरिटी ने ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर अपने सामान को डी इन्फेक्ट करना अनिवार्य किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू और जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गिरासिमो सहित अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुतिन ने यूक्रेन के साथ शुरू संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की। तस्वीरों में पुतिन रोस्तोव में दक्षिणी सैन्य समूह के मुख्यालय में शोइगू, गिरासिमो और जनरल स्टाफ के मुख्य परिचालन निदेशालय के प्रमुख जनरल सर्गेई रुड्स्कॉय के साथ बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन हमलों को विफल करने का दावा किया है। कुपियांस्क, कास्नी लिमन, डोनियास्क और कुछ अन्य दिशाओं में यूक्रेनी सेना के हमलों को विफल किया गया। रॉकेट लॉन्चर, टैंक और यूक्रेनी सैनिकों को भी निशाना बनाए जाने का दावा रूस ने किया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यूरोपीय संघ को यूक्रेन के साथ सदस्यता वार्ता शुरू न करने की अपील की है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा की मंगलवार को बैठक होगी। इसमें यूक्रेन की सदस्यता वार्ता को औपचारिक रूप से खोलने की सिफारिश करने के बारे में निर्णय की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने शुक्रवार को कहा कि इसराइल को उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल हमास संघर्ष में वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पेरिस पीस फोरम के उद्घाटन के लिए शुक्रवार को पेरिस के पैलेस ब्रोंगनियार्ट पहुंचे। फोरम की बैठक में वैश्विक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन और इसराइल हमास संघर्ष पर चर्चा की संभावना है। चीन के उप विदेश मंत्री ने हनोई में उनके समकक्ष वियतनाम के मंत्री के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत की। बैठक में द्विपक्षीय संबंध, भूमि, सीमा और समुद्री मुद्दे शामिल थे। चीन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इजरायली रक्षा बलों की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल हमास के बंदूकधारियों को मार गिराने का दावा इस वीडियो से इजरायली सेना ने किया है। इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलेंट ने कहा कि इजरायली सेना ने गाजा में सुरंगों के अंदर छिपे बैठे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गैलेंट ने आगे कहा कि इजरायल ने सुरंगों को नष्ट करने के नए तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के इस्तीफे के बाद अब मार्च में मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद मतदाता नाखुश दिखाई दे रहे हैं।
साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में अपने आखिरी लीग मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। टीम ने अहमदाबाद में 245 रन का टारगेट 47 ओवर 3 गेंदों में 5 विकेट खोकर हासिल कर दिया। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 50 विकेट पूरा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले तेज गेंदबाज बन गए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 34 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड के टाइम आउट मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनसे जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर बात करते हुए डोनाल्ड ने एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने पर हैरानी जताई थी। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को 5 विश्व कप खिताब दिलाने वाले कप्तान मैग लैनिंग ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। वो 241 मैचों में 8,352 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर देश की शीर्ष महिला क्रिकेटर है। चिली में होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम हालात के अनुरूप ढलने के लिए अर्जेंटीना में अभ्यास मैच खेलेगी। 4th वरीयता प्राप्त उगो हम्बर्ट ने मोसेले ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अपने ही हमवतन फ्रांस के हैरोल्ड मेओट को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। वहीं इटली के फेबियो फोगनिनी ने भी अंतिम 4 में किया प्रवेश। लोरेंजो सोनेगो को 6-1, 6-2 से हराया। प्रो टेनिस लीग का आयोजन दिल्ली के आरके खन्ना स्टेडियम में 6 से 10 दिसंबर के बीच होना है। इस बार इस लीग में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एड्रियन मेनारिनो सोफिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मेनारिनो ने 7वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ऑफनर को हराकर दर्ज की कामयाबी। वहीं जर्मनी के जेन लेनार्ड स्ट्रब भी सेमीफाइनल में पहुंचने में रहे कामयाब। हंगरी के फेबियन मेरोसन को 7-6, 4-6, 6-4 से चखाया हार का स्वाद। पूर्व विश्व नंबर 1 जापान की नाओमी ओसाका ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से एक बार फिर टेनिस कोर्ट पर वापसी के लिए तैयार हैं। उनकी ये वापसी बेटी को जन्म देने के 6 महीने के बाद हो रही है। बर्नले के स्ट्राइकर लाइल फोस्टर फिलहाल कुछ समय के लिए मैदान से दूर हो गए हैं। मेंटल हेल्थ के चलते दूर हुए फोस्टर। सऊदी प्रो लीग में अल अहली और दमक के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। अल अहली ने खेल के शुरुआत में 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद टीम इस बढ़त को कायम नहीं रख पाई। यूरोपा लीग के मुकाबले में वेस्टहैम यूनाइटेड ने ओलंपियाकोस को 1-0 से हराकर खुद को नॉकआउट के बेहद करीब ला दिया है। बाल कलाकार व्योम ठक्कर आगामी शो अटल में बाल अटल की भूमिका निभाएंगे। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये शो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन को उजागर करेगा। म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा पर बन रहे बायोपिक में तमिल सुपरस्टार धनुष उनका किरदार निभाएंगे। इलैया राजा ने भारतीय सिनेमा में नायकन सदमा थेवर मगन आरात्री और कई अन्य प्रोजेक्ट्स में आइकॉनिक साउंड ट्रैक दिए हैं। डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी की तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है। फिल्म के सक्सेस के बाद अब ये हिंदी में रिलीज के लिए तैयार है। अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण ने ये जानकारी दी। हॉलीवुड की फिल्म द मार्वल्स शुक्रवार को रिलीज हुई। द मार्वल्स ने अपने ओपनिंग डे पर 6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। बंगाली स्टार जीत की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म मानुष का ट्रेलर जारी किया गया है। इसमें जीत को एक क्रूर वन मैन आर्मी के रूप में दिखाया गया है जो प्रतिशोध के लिए अंडरवर्ल्ड को नष्ट करने पर आमादा है। गदर 2 की अपार सफलता के बाद फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म जर्नी की घोषणा कर दी है। इस फिल्म में नाना पाटेकर मुख्य भूमिका में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं मैं वो शो के कोई फैक्ट